हाल ही में एक विवाद हुआ था हल्दीराम की एक पर्टिकुलर नमकीन को लेकर, जिसका नाम था फलाहार मिक्सचर। जी हाँ, फलाहार मिक्सचर जो कि आलू से बनी थी और नवरात्रि के व्रत के लिए बनाई गई थी। उस पर उर्दू में डिस्क्रिप्शन थी और डिस्क्रिप्शन के नाम पर कुछ और नहीं लिखा हुआ था। इस पर बवाल हुआ था। अब उर्दू के मामले में एक और बवाल हुआ है बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी पर। सोशल मीडिया पर बायकॉट पतंजलि ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि जो बाबा रामदेव का काओ मिल्क घी है, उसमें दरअसल उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और इसलिए बाबा रामदेव यानी कि पतंजलि को बायकॉट करने की मांग की जा रही है। जो लोग कल कह रहे थे कि हल्दीराम ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो आज कह रहे हैं कि पतंजलि गलत है क्योंकि उसमें उर्दू में लिखा हुआ है, उसे भी बैन कराना चाहिए। वेल, जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही मुद्दे दरअसल अलग हैं। जो फलाहार मिक्सचर है हल्दीराम का, वो बेसिकली नवरात्रों की नमकीन है और नवरात्रों की नमकीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इस बात को जानने के लिए सिर्फ एक हरे रंग का डॉट काफ़ी नहीं है कि वो उसमें नॉनवेज यूज़ नहीं हुआ है। उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उसमें सेंधा नमक यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेंधा नमक यूज़ नहीं हुआ है तो कोई भी व्रती जिसने नवरात्रे रखे हैं उस नमकीन को नहीं खा सकता। ऐसे में सवाल इसलिए उठा क्योंकि अगर उर्दू में लिखा रहेगा तो ये बात आप नहीं समझ पाएंगे कि उसमें सेंधा नमक यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। गूगल ट्रांसलेटर आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा ये आप कह नहीं सकते। और हर शख्स इतना टेक सेवी नहीं है कि पहले ट्रांसलेट करे और उसके बाद नमकीन को खाए। ये हुआ विवाद का पहला मुद्दा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उर्दू लिखना गलत है, यहाँ पर उर्दू का विरोध हो रहा है। उर्दू का कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। दरअसल उर्दू उस पर्टिकुलर नमकीन पर क्यों लिखी गई जो एक व्रती को, एक नवरात्रे रखने वाले को खाना है, इस बात का विरोध हो रहा है। अगर किसी भी चीज़ पर उर्दू लिखी जाती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समस्या यहाँ पर यह है कि एक वर्ती नमकीन पर उर्दू में लिखा गया और उसी ब्रांड की बाकी नमकीन पर इंग्लिश में लिखा गया, ये विवाद का विषय है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पतंजलि की, जो काओ मिल्क है जिसे शेयर किया जा रहा है, उसका फ्रंट शेयर किया जा रहा है, बैक साइड पर डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में है, तो यहाँ पर मुद्दा डिस्क्रिप्शन का था। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ रिलीजनल जहाँ पे लोग रहते हैं उनका था। हर इंसान के पास ये राइट टू नो है कि व्हाट ही इज गोइंग टू ईट, वो क्या खाने जा रहा है, ये जानने का अधिकार उसे है। उसकी भाषा में ये विवाद था और विवाद शायद ना बढ़ता अगर उर्दू के साथ इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता। तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो इसको समझिए कि ये विवाद इसलिए नहीं है कि उर्दू क्यों लिखी गई। विवाद की वजह दरअसल ये है कि आखिर किसी से उसका ये जानने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है कि वो क्या खाने वाला है। राइट टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू ईट, ये बेसिक राइट है और इसे छीनने की जब कोशिश की गई एक कंपनी के द्वारा तो ये मुहिम चली। दोनों ही मुद्दे अलग हैं, पतंजलि का अलग है और ये वाला अलग है। पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।